जिनको सिलेबस का नहीं पता है, पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ओरिएंटेशन दे देता हूँ आप लोगों को, देन वी'ल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री इन योर यूपीएससी। आई एम टोल्ड यू आर ऑल हेयर फॉर द आईएएस ओनली, और द केएस स्टूडेंट्स आर ऑल्सो देयर, देर इज नो डिफरेंस एक्चुअली, बट या द अप्रोच इज डिफरेंट, अप्रोच इज डिफरेंट, सो वी विल बी कवरिंग लाइक वाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो वट द एक्चुअली नीड ऑफ गवर्नमेंट होलिस्टिकली एंड वट एक्चुअली इट कंटेन्स फॉर योर सब्जेक्ट इन GS1 एज वेल एंड द प्रीलिम सब्सिक्वेंटली। ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन ए वाइल, बट आपको मैं पहले ये बता दूं कि हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है आपके सिलेबस में एंड हाउ मच इट होल्ड योर मार्क्स इन मेन्स एंड प्रीलिम्स। सी प्रीलिम्स इज वेरी एम्बिगुअस, कभी ये आ जाए, प्रीलिम्स इज एम्बिगुअस एज आई सेड, कभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ जाएंगे अराउंड 20, यू नेवर नो, एंड समटाइम्स इट विल बी लाइक मोर लेस देन 10, सो इट इज एम्बिगुएट, बट फॉर मेन्स वी आर वेरी सर्टन अबाउट द थिंग कि 75 मार्क्स का GS1 में हिस्ट्री का कंपोनेंट आएगा ही आएगा नो मैटर व्हाट। अगर हम केएस की बात करें तो केएस का कोई वो नहीं है, केएस वाले कुछ भी डाल देते हैं और कितना भी डाल देते हैं। लाइक इफ आई टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर केएस आई वॉज गोइंग थ्रू, वहां पे हिस्ट्री का कंपोनेंट इन्होंने 120 प्लस मार्क्स का पूछा गया है GS1 में अलोन, आउट ऑफ 250 मोर देन 120। बट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी द पैटर्न इज मोर और लेस वेरी कांस्टेंट, वेरी कांस्टेंट। दे विल आस्क यू फ्रॉम 250 मार्क्स 75 मार्क्स विल बी डेडिकेटेड टू हिस्ट्री, 75 मार्क्स, एंड फ्रॉम दैट ऑल्सो 60 मार्क्स, 15 मार्क्स टू योर वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द 60 विल कंटेन्स द इंडियन हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर। आम आई अंडरस्टूड हियर, रिस्पॉन्ड। खाना खा के आए हो पक्का या पहले खाने का अरेंजमेंट करें? आप बोलते हो तो करते हैं यार पहले। हाँ आपका कहते हो तो मैं कल से पहले यहाँ पे स्टॉल लगवाता हूँ पीछे, ठीक है, बुफे, पहले खा के फिर आराम से सोना हिस्ट्री की क्लास में। हाँ दैट विल बी फाइन। हाँ लुक योर रज्जा सर हैज टोल्ड मी अबाउट यू, ही इज माई कजन, ओके, ही इज माई कजन, सो ही हैज टोल्ड वेरी गुड थिंग्स अबाउट यू एंड बहुत कुछ पता है मेरे को इस बैच का, ठीक है, सो रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड। ठीक है, आपके रज्जा सर मेरे से पढ़े हैं, वो एक्चुअली मेरा भतीजा है, वो एक्चुअली मेरे भैया का बेटा, ठीक है, वो जब इतना था ना तब से पढ़ा रहा हूँ मैं उसको, तो हम रेगुलरली बात करते रहते हैं, तो ही हैज टोल्ड मी अबाउट ऑल ऑल ऑफ यू वॉट लेवल यू हैव एंड हाउ टू अप्रोच यू, सो रेस्ट अश्योर्ड आई विल मेक दिस क्लास इंटरेस्टिंग, ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट दैट। ओके आम आई अंडरस्टूड हियर, आपको थोड़ा आइडिया हुआ कि मेंस में कितने मार्क्स का पेपर आता है हिस्ट्री का टिल नाउ, टिल नाउ, बट आई कैन नॉट गारंटी यू कि आगे ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, पिछले 7-8 साल से जो मेंस का पैटर्न है वो 75 मार्क्स हिस्ट्री को डेडिकेटेड है ही है। ठीक है, आउट ऑफ दैट 60 इज डेडिकेटेड टू द इंडियन हिस्ट्री एज ए होल, दैट इंक्लूड्स एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न प्लस आर्ट एंड कल्चर। व्हेन इट कम्स टू मेंस मोर कंसंट्रेशन इज ऑन आर्ट एंड कल्चर बिकॉज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इज देयर एंड देयर इज लॉट टू डिस्कस अबाउट, एंड व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड हिस्ट्री ओनली वन क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स, वन क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स एंड दैट टू समटाइम्स दे स्किप, दैट टू समटाइम्स दे स्किप एंड कभी कभी यही 75 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, बिकॉज लास्ट 2-3 ईयर्स देर इज ए इरेगुलर पैटर्न व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन डालते ही नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री का। सो बट एक चीज आपको मैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दिस, द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग दिस इज आउट ऑफ 250 मार्क्स 75 मार्क्स यू आर वेरी सर्टन अबाउट। आई टेल यू व्हाई, इफ यू टेक अप द सिलेबस ऑफ GS2 एंड GS3 ना, दैट इज वेरी एम्बिगुअस, वेरी एम्बिगुअस, यू कैन बी आस्क्ड एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर,
यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ जीएस 2 एंड 3, बट फॉर हिस्ट्री यू हैव बीन गिवन ए सर्टन सिलेबस एंड यू नो दीज ऑल आर द टॉपिक्स आई नीड टू कवर होलिस्टिकली एंड देयर कैन बी ए क्वेश्चन फ्रॉम दीज ऑल ओनली टॉपिक्स. नथिंग कैन कम फ्रॉम आउटसाइड, आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं होने वाला है. जीएस 2 और जीएस 3 में इकोनॉमी का, इकोनॉमी इतनी बड़ी है कुछ भी पूछ लेंगे जीएस 3 में. इंटरनल सिक्योरिटी इतनी बड़ी है कुछ भी पूछ लेंगे, विच इज नॉट इवन गिवन इन द सिलेबस. जीएस 2 में पॉलिटी इज सच ए ह्यूज डायमेंशन, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न. बट हियर यू नो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के सर्टेन टॉपिक्स हैं, वी नीड टू कवर वन बाय वन, दैट्स ऑल. देयर इज ए क्रोनोलॉजी, वी हैव टू डिस्कस इट वन बाय वन. यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सर्टनली वी नो ये 75 मार्क्स कहां से आने वाले हैं. इफ वी स्टडी होलिस्टिकली, आउट ऑफ दिस 75 मार्क्स मोर देन 45 यू कैन ईजिली सिक्योर. मोर देन 45 आपको कम लगते होंगे, लेकिन यही है पैटर्न. आउट ऑफ 10 मार्क्स यू विल बी गिवन टू द मैक्सिमम 4.75, और कुछ किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा हो, किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा लिखा हो कि इट हैज ब्लोन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर हु इज चेकिंग, तो वो 5 देगा. और ये टॉपर के मार्क्स होते हैं, टेलिंग यू. एकेडमिकली मत सोचो इसको कि कॉलेज के टाइम पे ये तो पापा मारते थे इस नंबर पे, मम्मी जूते से मारती थी. हाँ, ये टॉपर के मार्क्स होते हैं. इफ यू नोटिस द टॉपर के कितने मार्क्स होंगे, अगर ओवरऑल इंक्लूडिंग द इंटरव्यू, यू वुड सी के अराउंड 50% के आसपास होते हैं, 50% के. एंड इफ यू आर स्कोरिंग 5 हियर इन एवरी क्वेश्चन, यू आर अमंग द टॉपर्स. यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज वॉट आई एम सेइंग. इन 75 यू कैन एक्चुअली स्कोर मोर देन 45 ओनली इफ यूर आंसर राइटिंग इज गुड, यूर फ्रेमिंग एंड स्ट्रक्चरिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द आंसर इज गुड. एम आई अंडरस्टूड हियर? पक्का? चले, आंसर राइटिंग के सेशंस हो गए आपके. डू यू नो हाउ टू राइट आंसर्स? एंड पॉलिटी करवाए, रजत ने करवाए, ओके दैट्स फाइन. सो दिस इज द पॉइंट आई वॉन्ट टू डिस्कस, के हिस्ट्री दैट इज इम्पोर्टेंट, इट कंटेन्स दीज मैनी मार्क्स. अब आपको बोरिंग लगे या आप इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट लेके पढ़ो, तो है बेटा, पढ़नी तो पड़ेगी, कोई और ऑप्शन है ही नहीं. बेचक मुंह चढ़ा के पढ़ो, ठीक है, या खुशी खुशी पढ़ो, दैट इज द ओनली थिंग आई वॉन्ट यू हेयर टू डिस्कस दिस पैटर्न, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, वट एक्चुअली कंटेन्स इज सिलेबस. जो आपको सर ने मॉडर्न पढ़ाई उसमें सिलेबस डिस्कस हुआ था ओके. जो नए आए हैं उनके लिए लेट्स डिस्कस अबाउट, बिकॉज आई एम टोल्ड कि मेरे को एंशियंट और मिडिवल करवानी है, तो वी विल डिस्कस द एंशियंट एंड मिडिवल सिलेबस, ठीक है, ओके. आई नीड यू टू डू वन थिंग. जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँगा सिलेबस, फर्स्ट पेज ऑफ योर नोटबुक यू शुड राइट दैट, सो दैट इन बाय एनी चांस आफ्टर आई एम डन हियर यू ओपन द नोटबुक, यू शुड नो द क्रोनोलॉजी, कौन किसके बाद आता है, यू शुड कवर द सिलेबस लाइक दैट ओनली. फाइन विद दैट? ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक्स, यूजली आपकी क्लास कितने आवर्स की होती है? 4 घंटे की. ओके, सो देर इज ए ब्रेक इन बिटवीन आज वेल. ओके, टुडे यू आर टोल्ड टू कम ऑन एट 2 o'clock स्पेशली. ओके ओके ओके, सो कल से अराउंड इन द मॉर्निंग द क्लास विल बी देयर. 10 o'clock और 9:30. ओके, ये अपनी अपनी उससे बोल रहे हो, अपनी अपनी सहूलियत से. हाँ, जो जितना जल्दी तैयार हो गया वो उतनी जल्दी 9 बोल रहा है, जो थोड़ा लेट तैयार होता है वो 9:30 और कहीं 10 बजे बोलेंगे. हाँ, 10 बजे आपके लिए. चलिए, वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन बता देगी, ठीक है, ठीक है, जो भी होगा टाइमिंग कोई इशू नहीं है. चलिए, एंशियंट हिस्ट्री के सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग प्री हिस्ट्री टाइम, प्री हिस्टोरिक टाइम, ठीक है.
फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स यू माइट हैव हर्ड अबाउट द स्टोन एज, राइट? स्टोन एज दैट वी विल बी डिस्कसिंग मोस्ट प्रोबेबली टुडे इटसेल्फ, ठीक है? उसके बाद यू कैन राइट हियर स्टोन एज एज वेल, स्टोन एज। देन कम्स चालकोलिथिक एज, ठीक है? दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉपर एज, After that, we will be discussing about Bronze Age, that is also known as Harappan culture or Harappan civilization. Have you heard about the Harappan civilization? History सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई idea रहता है, ठीक है? कुछ ना कुछ आपने सुना रहता है, बस factual information और technicalities we will be discussing more here, okay? Bronze Age. Then comes Vedic times. It is also known as Iron Age. ठीक है? Again, Vedic times divided into two. Early Vedic times. Early Vedic times, then later Vedic times. Then we will be discussing Mahajanapad, ठीक है? श्रमानिक ट्रेडिशंस। श्रमानिक ट्रेडिशंस क्या है? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। व्हाई इट इज कॉल्ड श्रमानिक, दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल अराइव इन दिस। देन पढ़ने में दिक्कत हो रही है किसी को? इनवेडर्स, कानवास, KANVA, शुंगा, देन शुंगा, ठीक है? हो गया यहां पे। इनवेडर्स कौन कौन से थे? इनवेडर्स से इंडो ग्रीक्स, सुना कभी नाम? इंडो ग्रीक्स हैड इनवेडेड इंडिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? देन शाकास, देन पार्थियंस, देन कुशानास, ये तीन चार इन्वेडर्स है। वी विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। इफ यू वॉन्ट टू राइट, राइट इट। इंडो ग्रीक्स, शाकास, पार्थियंस एंड कुशानास।
ठीक है, यहाँ तक चले आगे। ओके कर दूं आगे। ओके आफ्टर द इन्वेडर्स कम्स द गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड, देन कम्स पोस्ट गुप्ता, पोस्ट गुप्ता। पोस्ट गुप्ता में मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी विल बी रीडिंग अबाउट हर्षवर्धना, सो यू हैव आइडिया अबाउट दैट, नो? हर्षवर्धना पीरियड, ठीक है। सो दिस कंप्राइजेस ऑफ योर एंशियंट हिस्ट्री इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ। अब साउथ में भी तो लोग रहते थे ऑब्वियसली, राइट? वो क्या कर रहे थे उस टाइम? हाँ, साउथ की हिस्ट्री के लिए एंशियंट टाइम्स, साउथ इंडिया, संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर, देन कम्स संगम लिटरेचर और संगम पीरियड आल्सो वी कैन राइट, ठीक है, वेयर वी रीड अबाउट चोला चेरा पांड्यास, ठीक है। उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट पल्लवास एंड चालुक्यास, ठीक है, पल्लवास एंड चालुक्यास। दिस इज अबाउट द साउथ इंडियन एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। चले आगे। ओके दिस इज एंशियंट हिस्ट्री इन टोटैलिटी, योर सिलेबस कंप्राइजेस ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द सॉरी मिडिवल, मिडिवल के लिए लिख लीजिए, ठीक है, ज्यादा नहीं है इसमें। मिडिवल में वी विल बी रीडिंग अबाउट सॉरी राष्ट्रकूटास, पालास, प्रतिहारास, दीज थ्री कंबाइंडली, एक्चुअली दीज थ्री कंबाइंड किंगडम्स वर प्रेजेंट एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ठीक है। सो दिस पीरियड ऑफ दीज थ्री इज ऑल्सो नोन एज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। आफ्टर दैट वी विल बी रीडिंग अबाउट दिल्ली सल्तनत, एंड लेटर द मुगल्स, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स, राष्ट्रकूटास, पालास, प्रतिहारास, देन दिल्ली सल्तनत, मुगल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर साउथ इंडियन किंगडम्स एज वेल एट द मिडिवल टाइम, ठीक है। उसके लिए वी विल बी रीडिंग अबाउट चोलास, सुना है कभी नाम, राइट? चोलास, देन विजयनगरा एंड बहमनी किंगडम, एंड लेटर वन आर द मराठास। एंड दिस इज ऑल योर मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। सो दिस इज योर सिलेबस दैट वी विल बी कवरिंग इन नेक्स्ट 15 to 17 डेज टू द मैक्सिमम, ठीक है। वन बाय वन वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी डायनेस्टी, ईच एंड एवरी सिविलाइजेशन एंड किंगडम अपेरेंटली, ठीक है। Am I clear about it? जो भी मैंने यहां पे नाम लिखे सुने हैं कभी ना कभी, दैट इज वॉट आई से, हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट जो सबने कहीं ना कहीं सुना है, बेशक टेक्निकलिटीज एंड इन डेप्थ नहीं पता, दैट वी विल बी डिस्कसिंग अपेरेंटली हेयर इन द क्लास, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको आइडिया होगा। सो आई वॉन्ट अ बिट ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम यू, मुझे भी कम आती है हिस्ट्री,
मुझे भी ये है कि आप थोड़ा सिखाएंगे मेरे को, मैं थोड़ा आपको सिखा दूंगा, ठीक है? पक्का पक्का, ओके। क्या है? आर्ट एंड कल्चर, आई एम नॉट टोल्ड टू कवर हेयर बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया आपका, हाँ वो उसके साथ किया जाता है, दैट सब्सिक्वेंटली विल बी डन, कोई ना कोई तो आएगा या मैं ही आऊंगा, कुछ भी जब भी, बट हेयर आई एम गिवन लाइक 15 to 16 days टू कवर दिस एंशियंट एंड मेडिवल, आराम से हो जाएगा, ठीक है? चलें फिर शुरू करें। ओके, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम अरुण खजूरिया, आई बिन इन दिस प्रोफेशन फॉर लास्ट 2.5 years। आई बिन ट्रेवलिंग ऑल ओवर द नॉर्थ टू टीच द हिस्ट्री। आई हैव अपियर्ड इन द यूपीएससी थ्राइस, आई हैव एक्चुअली गिवन द मेन्स यूपीएससी थ्राइस, ट्वाइस आई अपियर फॉर द इंटरव्यू, ठीक है? सो इन दिस फील्ड आफ्टर दैट, आफ्टर द कोविड आई जम्प्ट इन टू दिस फील्ड, ठीक है? सो फॉर द लास्ट 2.5 years आई बिन ट्रेवलिंग ओवर द नॉर्थ टू कवर द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री फॉर वेरी स्टूडेंट्स लाइक यू, ठीक है? सो दैट इज ऑल, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं कहीं भी बैच में जाता हूँ ना, मैं एक्चुअली मैं इंट्रोड्यूस करना भूल जाता हूँ। लास्ट बैच में अभी मैं कल शाम को ख़त्म करके आया हूँ, जम्मू में 2 batches शाम को ख़त्म करके आया हूँ 6 बजे, तो वहाँ इंट्रोड्यूस करना भूल गया 2-3 दिन के बाद। सर आपका नाम तो बता दीजिए, सर आप बता दीजिए है कौन। सो लेट मी से दिस थिंग एज रजत आल्सो टोल्ड कि अपना इंट्रोडक्शन दे देना, मैंने कहा अच्छा ये भी सही है, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो, कुछ तो कमेंट आया, हाँ शुरू करें का। ओके लेट मी स्टार्ट देन। सबसे पहले हिस्ट्री है क्या यार, कैन एनीवन एनलाइटन मी ओवर दिस इशू, व्हाट इज हिस्ट्री? स्टडी ऑफ पास्ट, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड, कंप्लीट डेफिनेशन, स्टडी ऑफ पास्ट, दैट इज करेक्ट एक्चुअली। सॉरी कम अगेन, एग्जैक्टली, वेरी करेक्ट वेरी करेक्ट। ये डिस्टरबेंस ऐसे ही रहती है क्या ये? ओके ऑलमोस्ट एवरी डे यू कॉन्सेंट्रेट देन, हाँ दिस इज ए बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर यू आई गेस, हाँ ओके दैट्स फाइन देन। ओके हिस्ट्री फर्स्ट वी स्टार्ट विद द व्हाट एग्जैक्टली एंटेल्स द हिस्ट्री। हिस्ट्री स्टडी ऑफ द पास्ट, दैट इज द कंप्लीट डेफिनेशन आई एम टेलिंग यू, नथिंग मोर और नथिंग लेस, स्टडी ऑफ पास्ट, पास्ट इवेंट्स, पास्ट इंसिडेंट्स, ठीक है? एवरीथिंग विच एंटेल्स प्रीवियसली लाइक फ्रॉम येस्टरडे टू आर एवोल्यूशन, दैट इज हिस्ट्री। इवन येस्टरडे, इवन द सेकेंड बिफोर ऑल्सो, दैट इज हिस्ट्री, राइट? दैट इज हिस्ट्री। बट हिस्ट्री कैसे रिकंस्ट्रक्ट हुई, कैसे बनी और जरूरत क्या आन पड़ी बनाने की, और हिस्ट्री एक पेरेंट टर्म है, ठीक है? जैसे अब मैं बात करूं, जियोलॉजिस्ट हैज डिवाइडेड आर पास्ट इनटू 3 divisions, जियोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड आर पास्ट इनटू 3 divisions, एंड दैट इज प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। एज यू ऑल नो, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। व्हाट इज प्री हिस्ट्री? नो नॉट डिसाइफर्ड, नो रिटन थिंग, और करेक्ट, वेरी करेक्ट। प्री हिस्ट्री एंटेल्स व्हेन द राइटिंग वाज नॉट एक्चुअली एविडेंट, व्हेन द राइटिंग वाज नॉट डिस्कवर्ड, जब लिखने पढ़ने वाली चीजें थी ही नहीं, लेकिन हमें कैसे पता चला देन कि यहां पे लोग रहते थे, जब राइटिंग डेवलप हुई उसके पहले भी लोग रहते थे। हाउ वी गॉट टू नो? वी गॉट फ्रॉम द एक्सकवेशंस, व्हेन वी डग द अर्थ वी फाउंड मेनी एविडेंसेस इन टर्म्स ऑफ टूल्स, इन टर्म्स ऑफ इंप्लीमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स, वी गॉट फ्यू एविडेंसेस दैट समवन हैज यूज्ड समवेयर, दैट इज हाउ वी रिकंस्ट्रक्टेड, वी रिकंस्ट्रक्टेड के कोई रहता था,
क्या करता था, कैसे करता था, वी हैव जस्ट अज्यूम्ड. लाइक इफ आई टॉक अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री मोर और लेस इज ऑन अजम्पशन. अजम्पशन टेलिंग यू व्हाई, व्हाई डू आई से अजम्पशन, एंड हम पढ़ते क्यों हैं अगर किसी की अजम्पशन है तो. ऑफ कोर्स, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट. मतलब हमें 100% ऑथेंटिसिटी, नो वन कैन विद कंक्रीट एविडेंसेस से दैट के प्री हिस्टोरिक टाइम पे जो स्टोन एज आई, ये जो स्टोन टूल है, ये जो अर्ली मैन था, ये उसके लिए यूज करता था. बट येट वी आर वेरी श्योर अबाउट, वी हैव रिटन कि ये स्टोन ये ब्लेड की तरह यूज करता था, ये स्टोन ये हैंड एक्स की तरह यूज करता था. वी हैव जस्ट अज्यूम्ड. माइट बी ओके, दिस स्टोन इज देयर, शार्पन है, ऊपर से बड़े वाला स्टोन है, ये शायद किसी को मारने के लिए यूज करता होगा, शायद हंटिंग के लिए यूज करता होगा. सो एक कंसेंसस बन गया हिस्टोरियन से. ओके, राइट डाउन, दिस इज हिस्ट्री. यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर पतला वाला स्टोन मिला है, वेरी शार्पन लाइक दैट, हाँ ये ब्लेड की तरह यूज करता होगा, ये ब्लेड की तरह यूज करता होगा. और कोई मेरे को नहीं लग रहा, अगर हमें जंगल में छोड़ दे तो हम पत्थर को ऐसे अगर शार्पन करेंगे तो हम इसे ब्लेड की तरह यूज करेंगे. दे जस्ट अज्यूम्ड इट. यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज वाई देर इज अ वेरी एम्बिग्यूटी इन डेट्स एज वेल एंड इन द एविडेंसेस एज वेल. वट एवर वी हैव इन द रिटन फॉर्म, एंशियंट हिस्ट्री इज प्योरली बेस्ड अपॉन द अजम्पशन ऑफ द फ्यू हिस्टोरियंस. दैट इज हाउ वी डेवलप्ड. यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ वट एंटेल्स अ प्री हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री क्या है कि प्री, जब राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी, जिसके बारे में हमें पुख्ता सबूत नहीं है राइटिंग के, जब ये लोग लिख के नहीं गए कि हम ये करते थे भाई, बाद में आके पढ़ लेना हिस्ट्री के सिलेबस में, समझ में आया? हम इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, हमें हमारे लिए कुछ एविडेंसेस ही नहीं लिखे हुए कि हाँ यहाँ पे ये हमारा रूलर होता था, यहाँ पे हम ऐसी प्रैक्टिसेस करते थे, ये वाले रिलीजियस बिलीफ थे हमारे. नथिंग नथिंग. हमने कैसे पता चला कोई लोग थे? व्हेन वी एक्सकवेटेड द अर्थ, वी फाउंड डिफरेंट डिफरेंट टूल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स. दैट इज हाउ वी कंक्रीटली बेस ए हिस्टोरी, एक एक अपना ओपिनियन बेस्ड कर लिया कि हाँ ये टूल्स यूज करता होगा अर्ली मैन फॉर द किलिंग ऑफ समवन, ये टूल्स वुड की कटिंग के लिए यूज करता होगा. दैट इज हाउ वी रिकंस्ट्रक्टेड द प्री हिस्ट्री वेयर देयर इज नो राइटिंग, देयर वाज नो राइटिंग डेवलप्ड. एम आई अंडरस्टूड हियर? पक्का? किसी को कोई डाउट? श्योर? नाउ दैट इज प्री हिस्ट्री व्हेन नो राइटिंग वाज देयर. व्हाट अबाउट द प्रोटो हिस्ट्री? Exactly, but there are two faces of this. Here also, दो चीजें हैं हमारे पास. रिटन रिकॉर्ड है इनके, ये लिख के तो गए हैं कुछ, लेकिन पता नहीं चल रहा क्या लिख के गए हैं. समझ में आया? अभी तक डिसाइफर ही नहीं कर पा रहे हैं हम कि ये जो लिख के गए हैं लोग, क्या लिख के गए हैं, अपने उस टाइम पे पढ़ाई कर रहे थे या अपनी सोसाइटी के बारे में लिख के गए हैं या एनीथिंग. Anything of that sort. एक ये एस्पेक्ट है प्रोटो हिस्ट्री का. दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि जो उस टाइम पे लोग थे उनके बारे में उनकी राइटिंग से नहीं पता चला हमें, बट उनके कंटेम्पररी लोगों ने उनके बारे में लिखा है. यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब यहां कश्मीर में, यहां श्रीनगर में लोग रहते थे, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, इन्होंने लिखा हमें डिसाइफर नहीं किया. लेकिन जो जम्मू में लोग रह रहे हैं ना, उन्होंने लिख के कश्मीर में लोग रह रहे हैं, वो ये करते हैं. दैट इज हाउ वी कंस्ट्रक्टेड के ये प्रोटो हिस्ट्री वाले हैं. यू गेटिंग द पॉइंट? किसी को कोई डाउट? ठीक है. प्रोटो हिस्ट्री इज ए पीरियड व्हेन द राइटिंग व्हिच एवर वी हैव फाउंड हैजंट बीन डिसाइफर्ड, और वी हैव फाउंड द रिटन एविडेंसेस फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन और कल्चर, वो हमने डिसाइफर कर लिया. समझ में आया? केम पेंटिंग्स में डिसाइफर करने वाला क्या था? वो तो प्री हिस्ट्री टाइप. देयर इज नथिंग रिटन रिकॉर्ड देयर, जस्ट द इमेजेस एंड द फिगर्स दे हैव ड्रॉन, दैट्स ऑल. उसमें डिसाइफर करने वाला लैंग्वेज कुछ नहीं लिखे गए हुए.
सेकंड एस्पेक्ट ये कि हमें उनकी दूसरों कंटेम्पररी जो सिविलाइजेशन है या कल्चर जो उस टाइम चल रहा था उनकी राइटिंग से हमें पता चला है कि यहाँ पे लोग रह रहे थे, कि हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं, वो पाकिस्तान वाले लोगों ने हमें बताया, उनकी राइटिंग से पता चला है कि उस टाइम हिंदुस्तान में कोई सिविलाइजेशन थी, कल्चर थे, ये ट्रेड था उनका, ऐसी ऑक्यूपेशन थी, ऐसी सोसाइटी थी। Am I clear about it? Sure. और प्री हिस्टोरी आपको बताया मैंने कि स्टोन एज, जैसे हमने एक्सकवेटेड किए। प्रोटो हिस्ट्री में क्या आता है? प्रोटो हिस्ट्री में आते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो भी हमें स्क्रिप्ट मिली है, जो भी हमें सील्स मिली है, जहां पे कुछ भी लिखा गया है, वो हमने अभी तक डिसाइफर नहीं किया है। हमें वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही अभी, शायद कभी ना कभी आ जाए, आ जाएगी, कभी ना कभी तो आएगी। द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, राइट? और अगर उसके पहले यूपीएससी क्लियर होता तो कर लो, नहीं तो सिलेबस बढ़ जाएगा। सिंपल, वो पता नहीं क्या क्या लिख के गए हैं, तो फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक अलग से बुक आएगी। सो बेटर जल्दी, यू गेटिंग द पॉइंट? 4-5 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लेना है, 1 साल में फिनिश करो। समझ में आया? देन कम्स द हिस्ट्री, जिसके रिगार्डिंग हमें सब कुछ फ्रॉम वेरियस इंस्क्रिप्शन, उस टाइम राइटिंग डेवलप थी, लोग अपने बारे में लिख के गए हैं, लोग अपने किंग्स के बारे में लिख के गए हैं, रूलर्स के बारे में लिख के गए हैं, ठीक है? एवरीथिंग इज इन द रिटन फॉर्म, दैट इज हिस्ट्री व्हाट वी स्टडी टुडे। यू गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर हियर? पक्का? किसी को कोई डाउट? एंड दैट इज द बेसिस, एंड दैट इज हाउ द जियोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड आवर पास्ट इंटू 3 डिफरेंट डिविजन्स। चलें आगे, पक्का? यस, करेक्टली करेक्टली। लेकिन एक बात ये भी है, जब कुछ साल पहले तक ये एक हिस्टोरियंस का ये मानना था दैट वेदिक एज आल्सो कम्स अंडर द प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री रीजन बीइंग, उनका ये मानना था कि जो वेदास लिखे गए हैं दैट हैव बीन रिटन लेटर ऑन एंड नॉट एट द टाइम व्हेन द वेदिक टाइम वाज गोइंग ऑन। यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब कि आप अभी जो हमारे यहाँ श्रीनगर में सोसाइटी चल रही है, ये कुछ नहीं लिख रहे अपने बारे में कि हमारे सोसाइटी ऐसी है, हमारी ऑक्यूपेशन ऐसी है, हमारी इकोनॉमी ऐसी है, लेकिन आपके बाद वाली जनरेशन जो आएगी ना, वो आपके बारे में लिखेगी, हमारे दादा दादी ऐसा करते थे। समझ में आया? फॉर सम टाइम वेदिक पीरियड वॉज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री, बट लेटर ऑन हिस्टोरियंस मेड ए मैंडेट दैट द वेदास वर रिटन एट द टाइम व्हेन दे वर हेयर ओनली, व्हेन द पीपल वर लिविंग, उन्होंने अपने बारे में लिखा है। यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? तो इसलिए उसको फ्रॉम प्रोटो हिस्ट्री टू हिस्ट्री में डाल दिया गया। किसी को कोई डाउट? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? पक्का? यू श्योर? योर फेस इज लुकिंग वेरी, नो नो, दिस वन, यू ओनली, योर फेस इज लुकिंग वेरी कंफ्यूज। यू फाइन? नो? ओके, चलिए। दिस वॉज द जियोलॉजिकल डिविजन ऑफ द आर पास्ट। नाउ एज आई सेड, एंशियंट हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, मोर ऑफ अजम्पशन। जिनके बारे में रिटन रिकॉर्ड पता है हमें, हमने क्रोनोलॉजी डेवलप कर ली है कि हाँ भाई, पहले आए थे प्री हिस्टोरिक पीपल, देन केम द ब्रोंज एज, देन केम द आयरन एज, देन केम द सिविलाइजेशन काइंड महाजनपदास, मौर्यन, गुप्तास एंड लेटर ऑन। दैट क्रोनोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड, राइट? ये हमें कैसे पता चला और हमें कैसे ये क्रोनोलॉजी बनाई है कि मौर्यन, क्या पता गुप्तास पहले आए हों? देयर इज नो श्योर शॉर्ट थिंग, राइट? क्या पता गुप्ता पहले आए हूं, हमें तो ये लिख के नहीं गए गुप्ता हमारे पहले मौर्यन थे। कुछ एक बुक्स, जो 2-3 बुक्स ने हमें रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प की है, वहीं से हमने पूरी एंशियंट हिस्ट्री डेवलप की है, रिकंस्ट्रक्ट की है। सो व्हाट आर द सोर्सेज व्हिच हैज हेल्प्ड, व्हिच हैव हेल्प्ड अस टू रिकंस्ट्रक्ट अवर एंशियंट हिस्ट्री? व्हाट आर द सोर्सेज? सी, मिडिवल एंड मॉडर्न के बारे में वी आर वेरी क्लियर अबाउट। मिडिवल में दिल्ली सल्तनत आए इन्वेडर से, मुगल्स आए इन्वेडर से, उनके बारे में वो, उनके कोर्ट पोइट बहुत कुछ लिखे गए हैं,
और यहां से हिंदुस्तानी इंडिजिनियस लिटरेचर से एंड इवन द कंटेम्प्रेरी लिटरेचर से हमें डेवलप आराम से मिल जाता है कि हाँ मुगल्स आए थे हिंदुस्तान में, उस टाइम पे ये राजा था, वो रूलर था, राइट, वो सुल्तान था. लेकिन एंशियंट के बारे में वी आर नॉट श्योर, स्टिल वी आर नॉट श्योर. देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी मौर्यन और गुप्ता के पीरियड में जो इन्वेडर्स हैं, दैट माइट बी सम अदर्स विच वी आर रीडिंग, दोज आर नॉट एक्चुअल एंड दे माइट हैव रूल्ड फॉर मोर देन द इयर्स व्हाट वी हैव बीन मेंशनड इन द हिस्ट्री बुक. एक दो सोर्स हर एक सिविलाइजेशन और एम्पायर के हमें पता है, बस वहीं से हमने रिकंस्ट्रक्ट कर दी. दैट इज वाई एज आई सेड एंशियंट हिस्ट्री बेस्ड ऑन अजम्पशन. ठीक है, चले आगे. सो व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी हैव रिकंस्ट्रक्टेड द हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री. Sources of reconstruction of history. सबसे पहले sources आते हैं. Again, there is a division. There are literary sources and there are non-literary sources. Literary sources जो writing हमें मिली है, जो अलग अलग poet अलग अलग books लिखे गए हैं, जो एक different rulers के court poets उनके बारे में लिखे गए हैं, जो inscription हमें मिली है, राइट, लिटरेरी सोर्सेस वहां है. नॉन लिटरेरी सोर्सेस, आर्कियोलॉजी, कॉइन्स, लाइक नॉट ओनली कॉइन्स बट ऑल्सो यू कैन से द प्लांट्स एंड द फौना एंड द फ्लोरा एट दैट टाइम, द फॉसिल्स ऑफ दोस, दैट इज हाउ वी रिकंस्ट्रक्टेड. ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द सोर्सेस. देर आर टू एज आई सेड, एक लिटरेरी and non-literary. First of all, literary sources में क्या आएगा? Literary sources are those which are properly compiled, like in a book. जैसे हम बात करें चाणक्य या कौटिल्य की अर्थशास्त्र एक बुक है. We have reconstructed के हाँ अर्थशास्त्र चाणक्य की बुक है, उसने हमें मौर्यन के टाइम में के बारे में बताया, चंद्रगुप्त के टाइम के बारे में बताया. You're getting the point? So that is properly compiled. समझ में आया ये? So literary sources में जैसे हम बात करेंगे, तो सबसे पहला जो literary source है वेदास. ठीक है, वेदास. वेदास talk about the Vedic time, which you have mentioned in the chronology, which I have discussed before. ठीक है, जो syllabus में है. Vedic times, early and the later Vedic times. लिटरेरी सोर्स हमें वेदास ने बताया कि वैदिक टाइम पे सोसाइटी ऐसी थी, इकोनॉमी ऐसी थी, सोशल लाइफ, कल्चरल एंड एस्पेक्ट, जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट वर लाइक दिस, द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल वर लाइक दिस. सो द वेदास आर ए मेजर चंक ऑफ द सोर्स फॉर द वैदिक टाइम. देयर आर 4 वेदास, पता है सबको, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्व एंड यजुर्वेद. देर आर 4 वेदास. ठीक है, वैदिक टाइम के बारे में इन्होंने हमें बताया. देन कम्स उपनिषद्स. एक्चुअली उपनिषद्स आर द पार्ट ऑफ वेदास ओनली, बट सेपरेटली वी आर राइटिंग इन अंडर द लिटररी सोर्स. Upanishads are the part of the Vedas only that we will discuss when we will come to the Vedic time. ठीक है, Upanishads, Brahmanas, Brahmanas, ठीक है, then comes Arthashastra, Arthashastra by कौटिल्य इज द अदर नेम ऑफ चाणक्य और विष्णुगुप्ता, हिज ओरिजिनल नेम वॉज विष्णुगुप्ता. ठीक है, अर्थशास्त्र. देन कम्स
इफ यू टॉक अबाउट वेरियस प्लेस, कालिदास, कालिदास यू नो राइट, कालिदास, कालिदास ने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं. कालिदास वॉज एट द टाइम वेन गुप्तास वर देयर, गुप्तास वर देयर, एंड हिज प्लेस एक्चुअली डिपिक्ट द सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ द गुप्ता पीरियड. दैट इज हाउ वी रिकंस्ट्रक्टेड द गुप्ता पीरियड वाली सोसाइटी, ठीक है, एंड रिलीजन ऑफ कोर्स एज वेल, ठीक है. सो कालिदास के कौन कौन से प्लेस हैं, ये यहाँ पे मैं लिटरेरी सोर्सेस से लिख रहा हूँ. कालिदास के प्लेस हैं मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारा, एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं. टोटल 17 प्लेस वर देयर ऑफ कालिदास. हाँ, अभी मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, इट इज प्रोनाउंस एट अभिज्ञान शकुंतलम बट रिटन एज ABHIJNANA, आगे शकुंतलम आ रहा है, वो भी आएगा, अभी खत्म कहाँ हुआ है. ठीक है, चलें आगे. ऋतु संहारा, ठीक है, देन एक मेजर है एपिक्स लाइक महाभारत, महाभारता एंड रामायणा, महाभारता एंड रामायणा. देन ये डिस्कस करना जरूरी है, दैट कैन बी आस्क्ड इन द मेन एग्जाम, व्हाट आर द सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट आर एंशियंट हिस्ट्री. देन यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी सोर्स, ईच एंड एवरी सोर्स, एंड यू नीड टू डिस्कस के ये कौन कौन, ये जो सोर्सेस है कहाँ कहाँ हमें हेल्प किया, कौन कौन सा पीरियड डेवलप करने में. लाइक इफ आई टॉक अबाउट वेदास, उपनिषद, ब्राह्मणास, दीस मेड अस टू रीडेवलप द वैदिक टाइम्स. अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य हेल्प्ड अस टू डेवलप द मौर्यन टाइम, कालिदासा गुप्ता टाइम, एपिक्स वैदिक टाइम अगेन. ठीक है, क्या हुआ, गर्मी होगी, ज्यादा सफोकेशन हो रही है, हो जाए यार, बड़ा सफोकेशन हो रही है ना. कल भी मेरी क्लास में दो लड़कियां बेहोश हो गई, फ्रंट में बैठी हैं, ऐसे हो रखी हैं. मैंने कहा सो रही है क्या, मैंने कहा सो रही है क्या, क्या हुआ, कहते सर सफोकेशन हो रही है थोड़ा ऐसा ऐसा. मैंने कहा बाहर जाओ, चलो 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 फटाफट, थोड़ा ध्यान से यहाँ बता देना कोई बेहोश होने वाला हुआ तो, हाँ पता लगे हिस्ट्री की क्लास में हिस्ट्री हो गई हो. हाँ चले आगे, ठीक है यहां तक, ओके. लिटरेरी सोर्स में आगे आता है दो इंपॉर्टेंट सोर्स. फॉरेन ट्रेवलर्स जब हिंदुस्तान आते थे वो भी लिखते थे हिंदुस्तानियों के बारे में, ठीक है, कि हिंदुस्तान में ये लोग रहते हैं उस टाइम पे. जैसे एक बड़ा फेमस फॉरेन ट्रेवलर आया था हिंदुस्तान में बाय द नेम फाहिन, सुना कभी नाम, किसके टाइम पे आया था ये भी बता दीजिए फिर. वेरी गुड, गलत, गुप्तास के टाइम, करेक्ट. हाँ जी, हाँ स्वयं सैंग आया था, हुन सैंग और स्वयं सैंग, ये फाहिन आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम, गुप्ता पीरियड, ठीक है. इसने अपनी बुक में लिखा था उस टाइम पे जो चंद्रगुप्त सेकंड का जैसा का रूल चल रहा था, हाउ द इंडिया वॉज अंडर द रूल ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, एंड चंद्रगुप्त सेकंड वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द गुप्ता पीरियड, ठीक है. When it will come, we will discuss about that as well. इसकी बुक है फू कुओ की, हाँ करना पड़ेगा नाम याद, क्या करें, हिज बुक नेम इज फू कुओ की, ठीक है, पता नहीं वो कैसे बोलते हैं चाइनीज, बट हम ऐसे ही बोलेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, जैसे जी शी जिंगपिंग, एक हमारे टीवी एंकर ने उसको 11 जिंगपिंग बोल दिया पता है आपको, उसको सैक कर दिया था फिर, तुम्हें प्रोनाउंसिएशन नहीं आती. हाँ ओके, देन कम्स
स्वैंग सैंग ही केम एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धना, ठीक है, सो पोस्ट पोस्ट गुप्ता पीरियड. ऑल्सो ऑल्सो स्वैंग सैंग विजिटेड द साउथ इंडियन चालुक्यज एज वेल, चालुक्यज एज वेल. सो हिज बुक एक्चुअली टॉक्स अबाउट द चालुक्यज एंड द हर्षवर्धना पीरियड, ठीक है, चालुक्यज एंड हर्षवर्धना पीरियड. इसकी बुक का नाम ऐसा ही है कुछ, सीओ की, सीओ की, इस बुक नेम है सीओ की, ठीक है यहां तक. दीज आर फ्यू. लाइकवाइज लाइकवाइज एक हर्षवर्धना का कोर्ट पोएट था, हर्षवर्धना का कोर्ट पोएट था बानभत्ता, बानभत्ता, उसने हर्ष चरित्र लिखी थी, द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना, ठीक है, हर्ष चरित्र. सो दीज आर द फ्यू ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज विच गिव्स अस द इनसाइट अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री एंड दैट हाउ वी कंबाइन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज एंड वी रिकंस्ट्रक्टेड ए प्रॉपर क्रोनोलॉजी अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री. एम आई क्लियर अबाउट इट? क्या है ये बानभत्ता? बानभत्ता कौन था? हर्षवर्धना जो था ना, पोस्ट गुप्तन टाइम का हर्षवर्धना, जो आपने लिखा भी है, हर्षवर्धना का कोर्ट पोएट, कोर्ट में उसके दरबार में पोएट बैठते थे जो, ठीक है, उसके दरबार में जो पोएट कहानियां लिखते थे, कविताएं लिखते थे, उसने हर्ष चरित्र लिखी है, हर्षवर्धना की बायोग्राफी. दैट इज हाउ वी गॉट टू नो देयर वाज ए पोस्ट गुप्ता टाइम वेयर हर्षवर्धना वाज द रूलर. Am I understood here? Pakka? So these are the few. You can be asked in the exam like mains. Okay, what are the sources from where we have reconstructed our ancient history? So you have to divide the sources into two, literary and non-literary. Literary mein you have to mention each and every. Most, if not each and every, but most, and you have to be very specific about the thing. Ek to chronology wise karna hai. ठीक है, वैदिक टाइम के बारे में हमें एपिक्स बताते हैं, वैदिक टाइम के बारे में हमें वेदास बताते हैं, उपनिषद ब्राह्मणास बताते हैं, उसके बाद हमें मौर्यन टाइम के बारे में बताता है कौटिल्य या चाणक्य, राइट, उसके बाद हमें गुप्ता पीरियड के बारे में बताया कालिदास के प्ले, पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में बताता है बानभत्ता, एंड सेम गोस विद द ट्रैवलर एज वेल, गुप्ता पीरियड के बारे में बताता है हमें फाहिन एंड स्वैंग सैंग टॉक्स अबाउट द हर्षवर्धना पीरियड. एम आई क्लियर हियर? चले आगे. सो दीज आर द लिटररी सोर्सेज. नाउ व्हाट अबाउट द नॉन लिटररी सोर्सेज? ऑफकोर्स ऑफकोर्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टेक्स्ट आर ऑल्सो देयर. यू वॉन्ट टू राइट राइट इट दैट एज वेल. बुद्धिज्म के बुद्धिज्म के थ्री बुक्स आर देयर, थ्री पिताकास, ठीक है, बुद्धिज्म की थ्री पिताकास, थ्री बुक्स आर, थ्री पिताका मींस थ्री बास्केट ऑफ नॉलेज, थ्री बास्केट्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, दीज आर द थ्री एक्चुअली वेरी रिलीजियस और वेरी सेक्रेट टू द बुद्धिज्म, वेरी सेक्रेट टू द बुद्धिज्म. कौन कौन सी हैं ये? सुत्त पिता का विनाया, विनाया पिता का, एंड द लास्ट वन अभिधम्म पिता का, अभिधम्म पिता का, ठीक है, विल डिस्कस अबाउट देम व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बुद्धिज्म. लाइकवाइज जैनिज्म आल्सो देयर. चलो आगे. ओके, जैनिज्म, जैनिज्म के बारे में बताती हैं इनकी जो सेक्रेट बुक्स है विच आर नोन एज अंगास. अंगास मीन्स द लिम्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है, अंग जिसको बोलते हैं, द लिम्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है, जो लास्ट में लिखी अभिधम्म,
सुत्त पिता का, विनाया पिता का एंड अभिधम्म पिता का। ये ले भाई, कहाँ गया, ये लो। चले आगे। सो नाउ कम्स द नॉन लिटरेरी सोर्सेस। नॉन लिटरेरी में क्या है, नॉन लिटरेरी में पहले आएंगे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, whatever after the excavation we have found the implements, the artifacts, the bone tools or any like the pottery as well, theek hai, these all have given us the idea about the type of society at that time, the type of family social relations at that time and what kind of tools they used to use. How do we get to know that this is the iron age, this is the bronze age? जब हमने एक्सकवेशन की, वी फाउंड द आयरन, वी डिड द रेडियो कार्बन डेटिंग, वी फाउंड द टाइम पीरियड कि ये आयरन एज है। यू गेटिंग द पॉइंट कि ये इस टाइम का है, तो मोस्ट प्रोबेबली द टूल्स यूज एट दैट टाइम वर द आयरन ओनली। सो दैट इज हाउ वी गॉट टू नो दिस इज आयरन एज। ब्रॉन्ज का कुछ निकला, उसकी डेटिंग की, वी गॉट टू नो ये इसका पीरियड जब ये यूज होता था, इसका पीरियड फ्रॉम दिस टू दिस है। उस टाइम हमने लिटरेरी सोर्सेज से क्या पता चला, उस टाइम पे रहते थे हड़प्पन पीपल, तो हमने एसोसिएट कर दिया ब्रॉन्ज एज विद द हड़प्पन। यू गेटिंग द पॉइंट। लाइकवाइज आयरन विद द वैदिक एज, दैट इज हाउ। सो आर्कियोलॉजी हैज गिवन अस एन इनसाइड अबाउट द टाइप ऑफ एजेस, द टाइप ऑफ सोसाइटी, द टाइप ऑफ इंप्लीमेंट्स और द टाइप लाइक द क्लास वॉज वॉरियर और नॉट। ये लड़ाके थे कि नहीं, दे फाइटर थे कि नहीं, सिंपल सोसाइटी थी। यू गेटिंग द पॉइंट। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैज गिवन अस दैट इनसाइट। दूसरा, कॉइन्स। कॉइन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइट फ्रॉम द एंशियंट टू द मिडिवल पीरियड वी हैव फाउंड डिफरेंट काइंड ऑफ कॉइन्स, डिफरेंट काइंड मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल एंड द इमेजेस ऑफ The coins also differ from time to time. जैसे आपको मैं बताऊं, coins हमें कैसे reconstruct करने में help करेंगे। अगर तो किसी time period का हमें copper मिलता है, हमें coin मिलता है copper का मिलता है। And if that is not pure copper, that is an alloyed one, mixed metal, we will get to know कि यार ये थोड़े ना गरीब लोग थे, अमीर नहीं थे। किसी का हमें gold का मिलेगा, हमें पता चलेगा कि ये बंदे थोड़े ज्यादा यू नो वेल्दी सोसाइटी, इकोनॉमिकली साउंड, एंड द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गोल्ड माइट बी देयर, दे वर यूजिंग गोल्ड कॉइन्स ऑल्सो। और भी तरह के मेटल के कॉइन्स मिले हैं, जैसे लेड के मिले हैं, ब्रॉन्ज के मिले हैं, प्लस द शेप और द सिंबल ओवर द कॉइन्स एज वेल डिपिक्ट्स मेनी थिंग। जैसे किसी कॉइन्स में हमें गॉड्स की फोटोज मिली हैं, इमेजेस मिली हैं, we will be seeing that this was a religious society at that time. Kisi mein humne aja or the ruler and the queen, their photo is depicted. We get to know that ye banda thoda proudy tha yaar, apne hi tareefe kari ja raha tha, raja ko ye log bada mante the. The king worship as well at that time. Theek hai, ab jaise hame medieval ke time ke coins mile hain, un pe hame kalma likha hua mila hai. So we get to know that के ये जो सुल्तान्स थे, उसके जो भी रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत और मुगल टाइम के, they were did not believe in imagery, they did not believe in personal you can say अपने adoration, personal adoration पे believe नहीं करते थे ये, they were very religious and very strict with their religion. You getting the point? So that is how we got to know the coins gives us that insight about the सोसाइटी, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। यू गॉट द पॉइंट। चले आगे, ठीक है। सो थर्ड वन, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है जी?
हाँ मतलब कुछ भी लिखा हुआ है कहीं भी, सिंपल कुछ भी लिखा हुआ है कहीं भी। जैसे अशोकन टाइम की इंस्क्रिप्शन बहुत सारी मिली है हमें, अशोका टाइम की, और अशोकन टाइम की जो इंस्क्रिप्शन मिली है हमें कोई कॉइंस पे नहीं मिली, हमें मिली है बड़े से पिलर्स पे, बहुत सारे रॉक्स पे, रॉक एडिक्ट्स मिले हैं हमें, अराउंड 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं हमें। एंड वहां पे जो मैसेजेस लिखा गया है वो गिव्स अस एन इनसाइट अबाउट द सोशल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि जो अशोका था वो अपने सिटीजन से थ्रू दीज इंस्क्रिप्शन बात करता था, उनको इंस्ट्रक्शन देता था, उनको बताता था व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट। अशोका आएगा, बात करेंगे इसके बारे में भी, बट अशोकन की, अशोका की इंस्क्रिप्शन बहुत सारी मिली है। लाइकवाइज नॉट ओनली अशोका, सातवनास थे उनके बारे में भी हमें इंस्क्रिप्शन से पता चला है, क्योंकि कॉपर इंस्क्रिप्शन मिली है हमें, कॉपर की प्लेट्स की पे इंस्क्रिप्शन मिली है। जो शाकास बाहर से आए, उनका एक बहुत बड़ा किंग था, बहुत यू कैन से द इक्वलेंट टू द अशोका वन, रुद्रधमन वन, उसके बारे में हमें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन मिली है। जूनागढ़ में एक रॉक पे उसके बारे में लिखा गया है, और लिखा ऐसे नहीं गया कि यू नो द पेन इज देयर एंड दे हैव रिटन, दे हैव कार्व्ड, कार्विंग से लिखा गया, ठीक है, कार्व करके वहां पे इचिंग की गई है। यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द यू कैन से नॉन लिटरेरी थिंग। प्लस प्लस लास्ट में इसके द फॉसिल रिमेन्स, द फॉसिल रिमेन्स, फॉसिल रिमेन्स कैन बी एनीथिंग, प्लांट्स, ह्यूमंस और फ्रॉम देयर वी हैव गॉट टू नो कि इस टाइम पे जैसे अब जानवर मिल रहे हैं, स्केल्टन मिल रहे हैं, हमें कैसे पता चल रहा है कि ये लोग कैसे थे उस टाइम। जैसे हमने जब एक्सकवेशन की ना, कुछ ग्रेव्स में ना हमें लोगों के स्केल्टन मिले विद देयर प्रेशियस आइटम्स, गले में हार पड़े हुए हैं, प्रेशियस स्टोन्स उनके, उनके जो पॉट्स हैं उनके बिल्कुल साथ में पड़े हुए हैं। दैट गिव्स अस अस एन इनसाइट के ये लोग आफ्टर लाइफ भी बिलीव करते थे, आफ्टर लाइफ इन द सेंस अगर पॉट्स और प्रेशियस आइटम्स आप किसी डेड वन के साथ दफन करते हैं ना, तो इट मीन्स के या तो वो प्रेशियस स्टोन उसको बड़े बड़े वो ही यूज टू लाइट और शी यूज टू लाइट दैट, और दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ कि ये आगे जाके उसको जो कौन से भी जहां में जा रहा है उसको यूज आएंगे आफ्टर लाइफ। दैट इज हाउ वी गॉट टू नो। अब हमें ये भी जैसे ग्रेव्स हमें घर के अंदर भी मिली है, कईयों की कोर्टयार्ड में मिली है, ठीक है, कुछ एनिमल्स की, सो दैट वी गॉट टू नो दैट दे यूज टू डोमेस्टिकेट दीज काइंड ऑफ एनिमल्स, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिकेट करते हो ना किसी, तो आप अपनी ही जगह पे कहीं पे उस जानवर, जैसे हमारे यहाँ पे डॉग है, द डोमेस्टिकेटेड एनिमल, द पेट एनिमल, अगर वो कहीं मरता है तो हम क्या करते हैं अपने लैंड में या कहीं अपने प्यारी जगह पे उसमें दफना देते हैं, राइट वैसे ही लोग अपने कोर्टयार्ड में उसको दफना देते थे। सो वी गॉट टू नो दैट द डॉग वॉज अ इंटीग्रेट मेंबर सोसाइटी, द पीपल यूज टू डोमेस्टिकेट डॉग मोर ऑफन देन एनी अदर एनिमल, सो दैट इज हाउ वी गॉट टू नो कि सोसाइटी कैसी थी उस टाइम, कॉम्प्लेक्स रिलेशन थे या सिंपल रिलेशन थे। Am I clear about it? ठीक है, सो दीज आर द सोर्सेस बोथ लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी, दे केम टूगेदर, दे कंबाइन टूगेदर एंड दे गिव्स अस द क्रोनोलॉजी ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री। बाकी और मॉडर्न की वी हैव इनफ सोर्सेस, इनफ सोर्सेस, उस टाइम पे राइटिंग और लिटरेचर इतना डेवलप हो चुका था कि हर बंदे ने कुछ ना कुछ लिख के गया हुआ है। समझ में आया? चलें आगे, पक्का? सो दिस वाज अबाउट योर बैकग्राउंड फ्रॉम वेयर वी विल बी स्टार्टिंग आर एंशियंट हिस्ट्री। सो अभी तक बैकग्राउंड चल रहा था, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ शुरू करें पिक्चर भी, दिस इज बेटर, उस वाले पे दिक्कत होती थी। क्या कर रहे, कोई कूद गया क्या? कोई बात नहीं, खुले रखो, आएगा टाइम, अगले 15 दिन में 2-3 तो कूदेंगे, आई एश्योर यू ऑफ दैट। ठीक है, इनको बोलता हूँ मैं नीचे नेट लगाने को, पकड़ के फिर से लाओ उसको अंदर। हाँ चले आगे, ओके, प्री हिस्टोरिक टाइम। हाँ जी प्लीज काम डाउन। प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्टोरिक टाइम, स्टोन एज, स्टोन एज, ठीक है।
ओके, हैव यू कम अक्रॉस दिस टेबल कभी लाइफ में वाइल प्रिपरेशन? कहाँ देखा है? शुक्र है आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, थैंक गॉड. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन आई शो दिस थिंग, सर ये क्या है? मैंने कहा हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी है. हाँ पढ़ी है. मैंने कहा फिर एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ी बेटा तुमने, ये पहला या दूसरा पेज ही होगा शायद एनसीईआरटी का, राइट? आपको आइडिया है व्हाट इज ईयन, एरा, पीरियड, एपोक एंड द काइंड ऑफ, राइट? जैसे जिनको आइडिया नहीं है उसके लिए, उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. 7 days makes 1 week, राइट? 4 weeks मेक 1 month, 12 months मेक्स 1 year, लाइकवाइज 10 years मेक 1 decade, राइट? लाइक दैट मेनी एजेस मेक 1 epoch, मेनी epoch मेक्स 1 period, मेनी पीरियड एरा, सब्सिक्वेंटली मेनी एरास मेक 1 eon. Am I understood here? ज्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है? अब क्या था? ओके, एन, राइट. प्रेजेंट प्रेजेंट एज, सॉरी प्रेजेंट एपोक इज होलोसीन. प्रेजेंट एपोक इज होलोसीन. उसके पीछे वाला था एक प्लीस्टोसीन. ये दो हमारे अभी काम किए हैं, जो अभी आपको थोड़ा सा थोड़े देर में पता चलेगा क्या है ये, ठीक है? द प्रेजेंट पीरियड इन विच वी आर लिविंग इज क्वार्टनरी, ठीक है? एंड द प्रेजेंट एरा इज सेनोजोइक, सेनोजोइक. एंड द प्रेजेंट एओन इज, यहां पे नहीं मेंशन, फेनेरोजोइक. प्रेजेंट एओन इज फेनेरोजोइक. ये कंटेम्पररी, कभी जे के एस दिल करे ना पेपर देने का तो ये याद रख लेना, कुछ भी पूछ लेते हैं वो, ठीक है? जेके एसएसबी के फॉर्म तो भरे होंगे कभी ना कभी, आपने भरे हैं? पेपर कब हो रहा है? कौन सा वीएलडब्ल्यू का जो है? संडे को क्लास नहीं है आपकी क्या है? शक्लें मत बनाओ, है हाँ? अब सारे बोलेंगे सर हमारा भी पेपर है. आई एम, एक बार हुई थी क्लास संडे को, रजत ने ली होगी, उसका सिलेबस लटक जाता है ना, इसलिए वो लेता सबको फिर लास्ट में, चार चार पांच पांच घंटे की भी क्लास ली होगी. एक्सपेक्ट लास्ट फ्यू डेज ऑफ माइन एज वेल, लाइक 5 hours. ओके, अभी रिलैक्स होके पढ़ेंगे, ठीक है? चले, ओके. सो द प्रेजेंट एओन इज फेनेरोजोइक, देन एरा इज सेनोजोइक, पीरियड इज क्वार्टनरी, एपोक इज होलोसीन. होलोसीन, और होलोसीन के पीछे उससे पहले वाला जो एपोक वो था प्लीस्टोसीन. अब मेंशन हमें जो जरूरत है वो याद रखने की, ये दो, जो प्लीस्टोसीन पीरियड था ना वो 20 लाख साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक रहा है. फिर से रिपीट करता हूं, जो प्लीस्टोसीन एपोक था ना 20 लाख साल पहले शुरू हुआ था और 10,000 साल पहले खत्म हो गया. समझ में आया? जब 10,000 साल पहले खत्म हुआ प्लीस्टोसीन, उसके बाद शुरू होता है होलोसीन. ये जरूरी है, आगे आएगा, ठीक है? थोड़ा सा, ठीक है, ये समझ में आया? समझ में आया. और ये याद रखना, प्लीस्टोसीन टाइम पे ना होमोसेपियंस डेवलप हुए थे, होमोसेपियंस डेवलप हुए थे, ठीक है? और जो आज के हैं मॉडर्न मैन, दैट इज होमोसेपियंस सेपियंस दैट केम इन होलोसीन, ठीक है? ये थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यू नेवर नो, यू नेवर नो. जेके जैसे केएस के एग्जाम आ रहे हैं ना, उसमें कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं. इस बार हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन थे जेके एएस में? बहुत सारे, काउंट बताओ. बहुत सारे, बहुत होते हैं. टू, यू हैपन टू attempt that and corrected each one, those were very easy, I'm telling you, very easy, basics question the. As and when we will be coming to that topic, I will tell you कौन सा question आया था KS का, UPSC का भी बताऊंगा, ठीक है? So बहुत easy थे. अगर वो बंदा 20-22 वो कर लेता ना तो almost halfway through था, और 10-15 number की जरूरत थी, and in, ठीक है? KS के भी attempt देते हो ना, पक्का ना? ये तो नहीं है कि IAS के ही देते हो, दोनों के दिया करो यार, केस कम नहीं है एक्चुअली में. यूपीएससी से टफ आता है इनका पेपर, ठीक है? कुछ भी पूछ लेते हैं यार,
पता नहीं क्या क्या पूछते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक ठीक है, समझ में आया। सो प्लीस्टोसिन एज में हमारा आया होमो सेपियंस, हु इज एक्चुअली द एंसेस्टर टू द होमो सेपियंस सेपियंस, द मॉडर्न मैन, उनके एंसेस्टर, ठीक है। और होमो सेपियंस कब आया, सॉरी मॉडर्न मैन कब आया, होमो सेपियंस सेपियंस कब आया, होलोसिन एपोक में। आगे डिस्कस होगा इसलिए बात करना जरूरी था। ओके, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस। नाउ दीज पीपल, ये जानते हो कौन है ये लोग, हैं कौन थे, एंसेस्टर्स है, पक्की बात है। इंसान यहां से निकला है फिर वहीं जा रहा है कि नहीं, फिर से बन रहे हम, कोई कुछ बोला, कोई जबरदस्त हंसी आ रही है पीछे से, हाँ क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे है? अच्छा चलिए चलिए, हम इवेंचुअली इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलोपाइथेकस। सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलोपाइथेकस, दिस इज इनडिफरेंट टू योर सिलेबस, बस सुनो इसको, सुनो ठीक है, थोड़ा सा ये डिस्कस करना जरूरी है ताकि प्री हिस्टोरिक बंदे तक पहुंचे, ठीक है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपाइथेकस, ऑस्ट्रेलोपाइथेकस मींस, ऑस्ट्रेलो मींस साउथ सदर्न, पाइथेकस मींस एप, सदर्न एप। इसका एवोल्यूशन हुआ अफ्रीका में, ठीक है, और ज्यादातर और यू कैन से 99.9% अभी तक जो हिस्टोरियन और जियोलॉजिस्ट श्योर है, द एवोल्यूशन ऑफ द मैन हैड स्टार्टेड फ्रॉम द अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। पहले आया ऑस्ट्रेलोपाइथेकस, ठीक है। दिस मैन, द वेरी मैन, व्हेन आई से मैन आई मीन मैन एंड वुमेन, डू नॉट से कि बंदे ही थे उस टाइम, ठीक है, बाद में मैं लड़ाई नहीं चाहिए मेरे को कि ये क्या बात हुई, हाँ। ऑस्ट्रेलोपाइथेकस मैन वॉज देयर वेरी मच देयर, ही वॉज द फर्स्ट मैन स्टैंडिंग ऑन द टू लिम्स, फर्स्ट मैन टू बी बायपेडल, बायपेडल। इसके पहले जो भी मैमल से, जो भी एप से, दे वर ऑन फोर लिम्स, स्लाउचिंग पोजिशन लाइक दैट दे यूज टू डू, राइट, स्लाउचिंग पोजिशन और फोर लिम्स पे चलते थे, दोनों लिम्स पे, लाइक फोर लिम्स एंड हाइड लिम्स दोनों, राइट। ऑस्ट्रेलोपाइथेकस वॉज द फर्स्ट मैन विच वॉज ऑन द ओनली टू लिम्स, समझ में आया, am I clear about that, bipedal first man। Homo habilis, Homo habilis again the evolution from the Africa itself, Homo habilis but was the first person or the first man, early man which had started making tools, he was also called as tool maker, tool maker, इसके लिख सकते हो bipedal, first bipedal। टूल मेकर मतलब जो टूल्स बनाए पत्थरों के, जो टूल्स एज ए, द स्टोन्स वर यूज्ड एज ए टूल्स फर्स्ट टाइम बाय द होमो हैबिलिस, एम आई क्लियर अबाउट इट, ठीक है। आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं रखना है, दो बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, जैसे इसका क्रेनियल कैपेसिटी बहुत कम थी, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, द बोन्स वर बिट हार्डर, ठीक है, साइंस का टॉपिक है, हमारा नहीं है, हमारा जो रिलेटेड है उतना ही रखना, ठीक है। देन कम्स द होमो इरेक्टस, दिस गाय होमो इरेक्टस, एज द नेम सजेस्ट इरेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज इरेक्ट मैन, इरेक्ट मैन, द स्पाइन वॉज अ बिट, जैसे अभी स्ट्रेट हो गई, पहले स्लाउचिंग पोजिशन थी, आहिस्ता आहिस्ता करके स्पाइन स्ट्रेट हो गई एंड ही गॉट इरेक्टेड इन अ प्रॉपर वे, जो आज की ह्यूमन बींग दे आर इन अ इरेक्ट पोजिशन, am I clear about it, पक्का, ठीक है। सो होमो इरेक्टस वॉज द फर्स्ट इरेक्ट मैन एंड होमो इरेक्टस वॉज द फर्स्ट मैन हु क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द अफ्रीका एंड रीच टिल बीजिंग, जावा, सुमात्रा एंड ऑफकोर्स यूरोप आफ्टर कवरिंग यूरोप, ठीक है। सबसे ज्यादा हमें जो स्कल्स मिले हैं, जो स्केल्टन्स मिले हैं, वो मिले हैं होमो इरेक्टस के, समझ में आया ये, अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमन, द मॉडर्न डे ह्यूमन, am I clear about it, he was the first man to cross Africa and reach worldwide,
ठीक है, चले आगे, पक्का? ओके, नाउ देयर इज ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग होमो सेपियंस एंड होमो नेंदरथैलेंसिस. देयर इज ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग होमो सेपियंस एंड होमो नेंदरथैलेंसिस. डिस्प्यूट क्या है? कुछ साल पहले तक ना होमो नेंदरथैलेंसिस वॉज कंसिडर्ड एज ए सेपरेट बींग, सेपरेट अर्ली मैन फ्रॉम द होमो सेपियंस. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द साइंटिस्ट हैव कम अक्रॉस मेनी फैक्ट्स वेयर द होमो सेपियंस एंड नेंदरथैलेंसिस इज कंसिडर्ड एज द वन स्पीशीज ओनली. समझ में आया? इट जस्ट द ओरिजिन और इनके स्केल्टन्स अलग अलग जगह पे मिले हैं, दैट इज वाई वी हैव कंसिडर्ड देम डिफरेंटली. अदरवाइज एवरीथिंग फ्रॉम द फिजिकल टू द मेंटल कैपेसिटी एवरीथिंग वॉज सेम, एवरीथिंग वॉज सेम. नेंदरथैलेंसिस द प्लेस, नेंदरथैलेंसिस, नेंदरथैल, नेंदरथैल इज ए प्लेस इन जर्मनी. जर्मनी से हमें इसके स्केल्टन्स मिले हैं ज्यादातर. नेंदरथैल इज ए प्लेस इन जर्मनी. एंड होमोसेपियंस जो था, होमोसेपियंस ज्यादातर हमें मिला है फ्रांस से. फ्रांस से, फ्रांस में एक केव है बाय द नेम क्रो मैग्नन केव्स, वहां से हमें होमोसेपियंस के ज्यादातर स्केल्टन्स मिले हैं. दो अलग अलग रीजन से बट फीचर्स वर ऑलमोस्ट सेम. दैट इज वाई नेंदरथैलेंसिस एंड होमोसेपियंस फॉर मेनी ईयर्स वर कंसीडर्ड एज अ डिफरेंट स्पीशीज. बट लेटर ऑन द हिस्टोरियंस हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट दे बोथ आर जस्ट सेम, वी हैव फाउंड इट ऑन डिफरेंट प्लेसेस. दैट्स ऑल. क्रो मैग्नन, MAGUN, क्रो मैग्नन. Am I clear about it? ठीक है, उसके बाद आज की प्रजाति हम लोग, फिर से बंदर. इंसान नहीं है, बंदर ही है हम, जिस हिसाब की हमारी मेंटल कैपेसिटी हो रखी है. चले गए हम वापिस इस, बस अभी ऐसे आना जरूरी है. ठीक है, चले आगे. हाँ जी, कुछ तो कमेंट मारते हो यार पीछे से. हाँ, विच आई डोंट लाइक. मौजू वाली बात है तो हमें भी सुनाओ. हंसना कौन नहीं चाहेगा हिस्ट्री की क्लास में, राइट? जोर से बोलो फिर. हाँ, या तो जोर से बोलने की कैपेसिटी रखो या तो. ठीक है, चलिए. नाउ द मेन थिंग, स्टोन एज. स्टोन एज वी आर टू गेट द वुड फ्रॉम नोट्स. ओके ओके. आर जम्मू वाले सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, बाकी वाले सिस्टम डिफरेंट है. प्री हिस्टोरिक टाइम्स, आपको पता है द स्टोन इज, स्टोन एज इज डिवाइडेड इंटू थ्री डिविजन्स, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्योलिथिक. सबसे पहले ये नॉमनक्लेचर आया कहां से? बहुत सारी जगह एक्सकवेशन हुई, बहुत सारे स्केल्टन्स मिले, बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले. बट दिस जो एज डिवाइड हुई है, दैट इज सोलली ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोन टूल्स वी हैव गॉट. दैट इज वाई स्टोन एज. डिफरेंट डिफरेंट टूल्स मिले हैं अलग अलग एजेस में. देयर वाज, अब ये डिवीजन है जो स्टोन एज आई, उसके बाद आए चालकोलिथिक एज, आयरन एज. ये डिवीजन किस बंदे ने की? एक बंदा था, एक बंदा नहीं एक्चुअली दो बंदे थे, एक उसका असिस्टेंट था, दानिश स्कॉलर. देयर वाज ए दानिश स्कॉलर बाय द नेम पी एफ सोहम, पी एफ सोहम एंड हिज असिस्टेंट एज वेल बाय द नेम क्रिस्टन थॉमसन. इन दो बंदों ने जो हमारा पास्ट था, जो प्री हिस्टोरिक टाइम था और जो एंशियंट हिस्ट्री थी, उसको डिवाइड किया. दे सेड देयर इज ए क्रोनोलॉजी, द जियोलॉजिकल टाइम्स हिस्ट्री, देयर इज ए क्रोनोलॉजी. पहले आई स्टोन एज, फिर आई ब्रॉन्ज एज, फिर आई चालकोलिथिक, देन आई ब्रॉन्ज, केम्स आयरन. ये डिवीजन अकॉर्डिंग टू द मेटल्स एंड द स्टोन्स
was given by P.F. Somme and Christian Thompson. The division of various ages into Stone Age, Chalcolithic, Bronze and Iron. This division was given by these both people. These are Danish scholar. Danish क्या होते हैं? Denmark वाले, ठीक है? Danish scholar, ठीक है? अब स्टोन एज अलग से पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक एंड नियोलिथिक में डिवाइडेड है. दिस डिवीजन वॉज गिवन बाय सम अदर पर्सन. अब ये डिवीजन कहां से आ गई? एक बंदे ने कहा कि स्टोन एज की बात कर रहे हो तुम लोग, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन की बात कर रहे हो. आपने शायद नोटिस नहीं किया, वी हैव फाउंड वेराइटीज ऑफ स्टोन्स. देर माइट बी ए केस के कुछ स्टोन किसी पीरियड तक यूज होते होंगे, कुछ स्टोन किसी और पीरियड तक यूज होते होंगे. लाइक वाइज इज द केस फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टोन्स. So he divided the Stone Age into two categories. His name was John Lubbock. John Lubbock ने कहा कि जो Stone Age है, that is divided into two categories, and that is Paleolithic and Neolithic. Paleolithic and Neolithic. ठीक है? Paleo means old, lithic means stone. It is also known as Stone Age. ठीक है? Paleo means old, lithic means stone. Excuse me. Is it necessary? If you are messaging someone, necessary, you can go on. Miss हो रही है, कुछ कुछ ना कुछ छूट जाएगा. ठीक है? That is fine. That is what I said. If it is necessary, go on. No issue at all. No issue. I am not stopping anyone. ठीक है? That is. If at all, ठीक कुछ चल रहा है तो फिर one can skip. Right? If it is necessary, please go on. I won't disturb. It's just that I was asking. ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, आई टेल यू इरिस्पेक्टिव ऑफ यू, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा होता ना, कुछ एज या डेट लिखता हूँ, दे विल डेफिनेटली दो. हाँ सर ने सही डेट लिखाई है. अगर कहीं एक दो साल ऊपर नीचे होगी, सर नहीं, ये देखो सीधा, समझ रहे हो? दैट इज वॉट आई वॉज कंसिडरिंग, कहीं वो तो नहीं है. इट जस्ट दैट इफ इट इज इंपॉर्टेंट प्लीज कैरी ऑन, यू कैन लीव द क्लास, नो इश्यू एट ऑल विदाउट आस्किंग. ठीक है? दैट इज, बट आई नो घर वालों को ना एक पता होता है कि बच्चा अगर क्लास में है या बच्ची क्लास में है ना, जितनी मर्जी तकलीफ में हो, क्लास में कभी कॉल करेंगे. दैट आई नो. कुछ इश्यूज हो सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. चलें आगे. पैलियो मींस ओल्ड, लिथिक मींस स्टोन, सो इट इज आल्सो नोन एज स्टोलिन. न्यू मींस न्यू, लिथिक से न्यू एज, न्यू स्टोन एज. ठीक है? जॉन लबक ने कहा इन 1863 there is a division in Stone Age. ठीक है? फिर एक और बंदा आया जिसका नाम था, ये करूं आगे, ठीक है? एक और बंदा आया जिसका नाम था एडवर्ड लाटेट. एडवर्ड लाटेट. इस बंदे ने कहा, भाई तुमने तो बोल दिया पैलियोलिथिक और नियोलिथिक है. भाई थॉमसन, तुमने अगर देखा हो ध्यान से, पैलियोलिथिक में भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं. पैलियोलिथिक एज के स्टोन टूल्स में भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं. सो दिस गाय वेंट ऑन टू डिवाइड द पैलियोलिथिक एज अगेन इनटू थ्री टाइप्स. दैट इज Paleolithic again was divided into three types, and that is Old Paleolithic or Lower Paleolithic,
देन कम्स मिडल पैलियोलिथिक, देन द लास्ट वन अपर, सॉरी अपर, अपर पैलियोलिथिक. अकॉर्डिंगली एडवर्ड लाटेट सेड If you have noticed the Paleolithic age, there is still a differences. There is a sharp differences in the stone tools we have found. बहुत सारी प्रकार है, बहुत सारी variations है. तो इसने Paleolithic को add कर दिया तीन में. Am I clear about it? Am I understood here? अब आती है, हमने discuss किया Paleolithic and Neolithic. That name was given by John Lubbock, right? एक मिसोलिथिक भी आती है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका भी दिमाग घूमा. ये एक नया बंदा था, आयरलैंड साइंटिस्ट था, आयरलैंड नॉट साइंटिस्ट, यू कैन से हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट था ये. इसने कहा कि कुछ जगहों पे हमने ऐसी ऐसी चीजें वेरिएशंस देखी हैं जहां पे हमें पैलियोलिथिक के भी एविडेंसेस मिले हैं और नियोलिथिक के भी एविडेंसेस मिले हैं. समझ में आया? कुछ ऐसी जगह देखी है जहां पे दोनों के एविडेंसेस मिले हैं. और दोनों, जैसे अगर हम बात करें नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में ना, नियोलिथिक एज में ना एग्रीकल्चर वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड, इट वाज एट इट्स पीक. एंड इफ यू टॉक अबाउट द पैलियोलिथिक एज, द हंटिंग एंड गैदरिंग वाज देयर, राइट? सो इन ए प्लेस वी हैव फाउंड कि जहां पे एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस हो रहा है, हंटिंग भी प्रैक्टिस हो रही है, एंड दैट बोथ आर इन यू कैन से डिक्लाइनिंग फेज. जो हंटिंग है वो डिक्लाइनिंग फेज में है और जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ा अर्ली फेसिस में है. सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशनल फेज और ट्रांजिशनल स्टेज. एक बंदा था आयरलैंड का बाय द नेम वेस्टॉप हुडर. वेस्टॉप, दिस गाय gave the Mesolithic term or called the transitional phase as Mesolithic age. So by now you should know किस किस ने कौन कौन सी term दी और कौन कौन सी age में division में geologist ने ये डिवाइड की है हमारी स्टोन एज. यहां तक क्लियर हुआ सबको? Am I understood till here? पक्का? किसी को कोई डाउट, प्लीज शूट योर क्वेश्चंस. या पानी नहीं है क्या? ये पीने वाला है? प्लीज, ये कौन पार्टी शार्टी करके गया यार यहाँ पे? हाँ, Megalith we will be discussing later when we will be starting the South Indian history, you know, वो उसके पहले का है, वो purposely छोड़ा गया है, ठीक है, there is a purpose to it. लेकिन Megalithic Stone Age में नहीं आता है, वो actually after Stone Age, because Megalithic culture में हमें बहुत सारे tools मिले हैं of metals, iron tools, ठीक है, that does not come under the Stone Age. If we go by JKS question paper, हाँ simple, ठीक है, easy है, एक दो बार करोगे आ जाएंगे. अब इसी में थक गए, अभी तो शुरू भी नहीं हुई हिस्ट्री. ऐसे ऐसे नाम बताऊंगा, जिम लगानी पड़ेगी. किसके लिए पता है? टंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए. ऐसे ऐसे नाम है आगे, ठीक है, आ जाते हैं, नाम रिकॉल हो जाते हैं, मेमोराइज हो जाते हैं, क्रैम हो जाते हैं. इट इज सोलली बेस्ड अपॉन योर रिवीजन. हिस्ट्री की रिवीजन एटलीस्ट 3 times बिफोर यू अपियर फॉर एन एग्जाम, एटलीस्ट टाइम, देन ओनली यू कैन रिकॉल द फैक्ट्स एट द टाइम ऑफ एग्जाम. कुछ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो दो दो बार मेरे पास पढ़ के गए क्लास में, कहते सर आप मेरे, पता आपने बोर्ड पे लिखा था उस दिन, मेरे को नहीं आ रहा था उधर, फिर भी दो बार पढ़ के गया. इमेजिन, दैट इज द केस, दैट इज व्हाट आई से. थैंक यू मैम. दैट इज व्हाई आई से कि रिवीजन इज द की. एंड इन एनी सब्जेक्ट, बी इट पॉलिटी और इकोनॉमी, आप क्रॉस तभी करोगे
क्लियर तभी होगे इफ यू आर वेल एक्वाइंटेड विद योर रिविजन्स। समझ में आया? लोग बच्चे क्या करते हैं, आई विल टेल यू द ऑनेस्टली पर ऑनेस्ट जो दिल का अभी भी बहुत बच्चों के चल रहा होगा, अलग अलग बुक्स इकट्ठियां कर लेते हैं। अच्छा ये एनसीईआरटी ये वाली अच्छी है, वो तमिलनाडु वाली अच्छी है यार, वो नई वाली एनसीईआरटी अच्छी है। देन कम्स द एडवांस बुक्स, वो भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि कहीं कमेंट में पढ़ा वो अच्छी है, कहीं फेसबुक में पढ़ लिया या कभी इंस्टाग्राम पे कहीं पढ़ लिया वो अच्छी है, तो बुक ले ली। सब इतनी बड़ी करते हैं, फिर 2 साल के बाद उसी को बेच के कप ग्लासेस लेते हैं मुरुंडे वाले से, हाँ घर के लिए। कोई फायदा नहीं है, एक बुक पे स्टक रहना है और मेक श्योर करो उस बुक को ऐसे पढ़ना है कि पेज नंबर तक याद हो। नहीं ये ज्यादा हो जाएगा वैसे, लेकिन लेकिन पता हो आपको कौन सी साइड पे लिखा है। समझ में आया? एक बात याद रखना, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस डायलॉग ऑफ सम मूवी इन योर हेड, हाँ, कि मुझे तुम्हारे उस मूव से फर्क नहीं पड़ता जो तुमने 100 उस उन मूव से फर्क नहीं पड़ता जो 101 मूव तुमने एक बार प्रैक्टिस किए हैं, मुझे उससे फर्क पड़ता है जो एक मूव तुमने 101 बार प्रैक्टिस किया है, क्योंकि दैट इज योर मूव, इन दैट मूव यू विल किल योर एनिमी देन एंड देयर इटसेल्फ। दैट इज व्हाट आई से, एक बुक रखो लेकिन उसको खा जाओ, लिटरली वर्ड टू वर्ड खा जाओ। आने दो टाइम, वो भी बताएंगे, ठीक है। फिलहाल एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी एंड दैट टू द ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी पीपल विल से लाइक फ्रॉम 6 to 12 ये तमिलनाडु बोर्ड, ओल्ड एनसीईआरटी इज योर बुक, दैट्स ऑल। और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। कौन सी? हाँ 11th 12th की जो आती है, ओल्ड एनसीईआरटी बेटा ये वाली होती है, ओल्ड एनसीईआरटी किया ना, दैट इज रिटन बाय आरएस शर्मा, ठीक है। जो मिडिवल है ना ये एंशियंट की है, ठीक है, जो मिडिवल की है दैट इज सतीश चंद्र, नहीं नहीं थीम्स वाली नई वाली है सतीश चंद्र, एंड द मॉडर्न वाली विपिन चंद्र, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक आपको कहीं से नहीं कवर करना है, मॉडर्न भी एडवांस बुक भी बताऊंगा लेकिन टाइम नहीं है। अब मैं मॉडर्न बताऊं ना, मेरे को पता है आधे घंटे में आप जाओगे किसी स्टेशनरी पे, वो बुक लेके बैठ जाओगे, फायदा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, याद रखना, आप कभी भी किसी भी टॉपर यूपीएससी का इंटरव्यू देखोगे, ही और शी विल ऑलवेज फोकस अपॉन एनसीईआरटी कवर करो पर, यस एग्जैक्टली दीज थ्री बुक्स, ठीक है। सो यू हैव टू गो बाय, अभी एडवांस करके ना 1 साल अटेम्प्ट जाया करके फिर से एनसीईआरटी पे आना पड़ेगा, वो मत करो। इससे पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, एडवांस बता दी जाएगी आपको टाइम टू टाइम, यू डोंट वरी अबाउट दैट। एंड इफ यू हैपन टू राइट व्हाटएवर आई एम सेइंग एंड व्हाटएवर आई विल बी डिक्टेटिंग सफिशिएंट है, उससे ज्यादा करने, क्योंकि मेरे जो जो भी मैं पढ़ाऊंगा 2-3 बुक्स का रेफरेंस रहता है हमेशा, ठीक है, एंड मेनी रिसर्च पेपर्स आर ऑल्सो देयर। सो पहले आप वो पढ़ो, एक मेरे नोट्स और ये जो भी यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद अगर नीड लगती है ना जाओ, कोई इशू नहीं है। आई विल टेल यू 3-4 बुक्स बता दूंगा, एक परफेक्ट वाली भी बता दूंगा, पढ़ लेना, लेकिन अभी एनसीईआरटी करो, दैट इज वर्किंग। जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इट इज सफिशिएंट, बट यू नीड टू हैव एन एक्स्ट्रा सोर्स बाय योर किटी। इफ आई हैव टू, इट गोज विद एवरी सब्जेक्ट, जितना टीचर यहाँ पे कवर करता है ना उससे ज्यादा आपको कवर करना होता है अपने तौर पे। समझ में आया? द टीचर हियर इज जस्ट अ गाइड, समझे, बुक आपको रेफर करनी ही पड़ेगी कभी ना कभी, समझे, ठीक है। बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग ऑब्वियसली। हाँ जी, तमिलनाडु को रहने दो, तमिलनाडु में उसको मत लेना, क्योंकि जो तमिलनाडु बोर्ड का, मैं उसका ड्रॉबैक बता देता हूं, उन्होंने हिस्ट्री लिखी है साउथ इंडियन पर्सपेक्टिव से। यू विल सी द चैप्टर्स ऑफ द साउथ इंडिया विच आर डिस्कस्ड इन डिटेल्स, बट नॉर्थ इंडियन नथिंग मच, इट जस्ट दैट 2-3 साल ना कुछ 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली वर पिक्ड फ्रॉम द तमिलनाडु एनसीईआरटी एंड द पीपल स्टार्टेड गोइंग लाइक ए शीप के उधर चलो बेड़ चाल, वो ले लेते हैं। सेम गोज विद द न्यू एनसीईआरटी एज वेल,
यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको पेपर देने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है। ओल्ड एनसीईआरटी रखोगे ना पास में, सफिशियंट है, सफिशियंट है। मैं गारंटी देता हूं एनसीईआरटी ओल्ड पढ़ो और एक जो मैं बताऊंगा वो पढ़ना आराम से। अगर एक क्वेश्चन बाहर से आ गया मेरे को जम्मू में आके पकड़ना। समझ में आया? टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस। ठीक है, चले आगे। ओके, सो कहां पे थे हम? वेस्ट ऑफ होटर। ओके, डन डन विद द डिवीजन ऑफ द डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट पैलियोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक एज। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं ये एजिस का कितने टाइम पीरियड है तो वो आई गेस विल बी बेटर। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, इनका टाइम स्केल क्या था, टाइम पीरियड क्या था। अब बहुत सारी बुक्स में बड़ा डिस्प्यूटेड टाइम रेंज है इनकी, टाइम पीरियड है। कुछ कहेंगे दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द एंडिंग, बट मोर और लेस आपसे कोई कभी टाइम पीरियड नहीं पूछने वाला एग्जाम में, दैट यू वेरी बी सर्टन अबाउट। जिस चीज को लेकर हिस्टोरियंस खुद कंफ्यूज है ना, वो आपसे कभी नहीं पूछेंगे। समझ में आया? इसके इनके टाइम स्केल को लेकर ये खुद कंफ्यूज है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं जो पैलियोलिथिक एज थी वो प्लीस्टोसिन के साथ शुरू हुई, लाइक 20 लाख साल पहले। कुछ कहते हैं ये 35 लाख साल पहले शुरू हुई थी, बट ज्यादातर सोर्सेज जो कहते हैं दे टेल अस 2 मिलियन ईयर्स अगो, लाइक 20 साल पहले, 2 मिलियन ईयर्स अगो इट स्टार्टेड एंड इट रिमेन्ड टिल 10,000 ईयर्स अगो। 10,000 ईयर्स अगो, और ये पूरा का पूरा वही पीरियड है जब प्लीस्टोसीन एपोक था। प्लीस्टोसीन एपोक, ठीक है। प्लीस्टोसीन एपोक का एक दूसरा नाम भी है, आपने शायद सुना होगा, आइस एज। हैव यू हर्ड अबाउट द होल ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड अंडर आइस। द प्लीस्टोसीन एपोक में इट वॉज द होल ऑफ द अर्थ विच वॉज अंडर द कवरिंग ऑफ आइस, दैट इज ऑल्सो नोन एज, दैट इज वाई द प्लीस्टोसीन एपोक इज ऑल्सो नोन एज आइस एज। आइस एज, ठीक है, एक ये चीज। सो टेक्निकली इफ यू टॉक अबाउट द पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक कम्स अंडर द प्लीस्टोसीन इटसेल्फ। ठीक है, प्लीस्टोसीन इटसेल्फ, बाकी के ये जो दो हैं वो आए बाद में, दैट मीन्स दे कम अंडर होलोसीन, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लीस्टोसीन एपोक का कुछ लोग 20 लाख साल पहले, कुछ 18 लाख साल पहले, कुछ 35 लाख साल पहले बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में जो पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिले हैं ना, दे आर नॉट ओल्डर मोर देन द 5 लाख ईयर्स अगो। ठीक है, हिंदुस्तान में इट इज बिलीव दैट द पैलियोलिथिक एज स्टार्टेड अराउंड 5 लाख ईयर्स अगो एंड इट रिमेन्ड टिल 10,000 ईयर्स अगो। ठीक है, इंडिया में लाइक 5 लाख ईयर्स अगो इट स्टार्टेड बट एंड इट स्टेड टिल 10,000 ईयर्स अगो। Am I clear about this? मतलब 15 लाख साल पहले अराउंड द ग्लोब प्लीस्टोसीन ये पैलियोलिथिक हो चुकी थी। समझ में आया ये? पक्का? चले आगे। दूसरा मीजोलिथिक, मीजोलिथिक फ्रॉम 10,000 टू 6,000 BC, sorry, 6,000 years ago.
10,000 टू 6,000 ईयर्स अगो, ठीक है, मीजोलिथिक। एक ये चीज। दूसरी, अब एक फैक्ट ये भी याद रखना दिमाग में, कुछ जगहें जैसे अब हमारे यहां कश्मीर में सिटीज होंगी, 6-7 सिटीज होंगी, नॉट ऑल आर इक्वली डेवलप्ड, दिस एरिया माइट बी मोर डेवलप्ड देन द अदर सब्सिक्वेंट रीजन, सेम वॉज द केस इन द एट द टाइम ऑफ एजिस एज वेल। कुछ रीजन पे ना पैलियोलिथिक एज अभी चल ही रही थी कि मीजोलिथिक डेवलप हो गई, कुछ रीजन पे नियोलिथिक आ चुकी थी बट दूसरे रीजन पे अभी पैलियोलिथिक सॉरी मीजोलिथिक चल रही थी, सो दैट इज वाई देर इज एम्बिग्यूटी इन द डेट्स, दैट इज वाई देर इज एम्बिग्यूटी इन द डेट्स। लाइक मीजोलिथिक की बात करें, मीजोलिथिक एज ना नॉर्दर्न इंडिया में मोर और लेस 6,000 ईयर्स अगो खत्म हो चुकी थी, बट सदर्न इंडिया में इट वेंट ऑन टू टिल 1,000 ईयर्स अगो। यू गेटिंग द पॉइंट? एट द टाइम व्हेन द इंडिया नॉर्दर्न इंडिया वॉज अंडर द वेदिक टाइम्स, यहां साउदर्न इंडिया पे मीजोलिथिक एज चल रही थी। देर इज एन एम्बिग्यूटी अबाउट द टाइम, ऐसा नहीं होता है कि आज 31st ऑफ दिसंबर है ये मीजोलिथिक खत्म हुई कल शुरू हो जाएगी नियोलिथिक, ऐसा नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन आहिस्ता आहिस्ता होता है, लाइकवाइज एवॉल्व भी आहिस्ता आहिस्ता होता है। यू गेट इट? ठीक है। सो अबाउट द नियोलिथिक नाउ, नियोलिथिक फ्रॉम 6,000 टू 1,000 सॉरी BCE, हियर कम्स द BCE और ईयर्स अगो की जगह BCE भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, आई क्लियर अबाउट इट? पक्का? चले आगे, चले आगे। ओके, नाउ एज आई सेड, एक बंदे ने पैलियोलिथिक के अगेन 3 डिवीजन कर दिए, किए थे, कौन था बंदा वो? एडवर्ड लॉटेट, राइट? अब इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, 5,00,000 to 10,000 ईयर्स अगो और बीसीई लिखिए, अब बीसीई से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब पैलियोलिथिक 3 डिवीजन में, एक लोअर, मिडल एंड अपर। अब ये लोअर मिडल अपर का मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, अगर अगर इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे इफ वी हैपन टू डिग ए अर्थ, अभी यहां पे जमीन है, वी आर डिगिंग इट, जो सबसे पहले टूल्स मिले अपर, फिर मिडल और सबसे लोअर वाले लोअर पैलियोलिथिक, दैट इज द सिंपल वे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। नाउ इनका टाइम स्केल क्या था? 5,00,000 to 1,00,000, कुछ बुक्स में 50,000 भी लिखा हो सकता है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, दैट बोथ आर करेक्ट। ठीक है, 1,00,000 to 40,000, then 40,000 to 10,000,